हाय फ्रेंड्स, चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं हम प्रिंसिपल स्टेशन एंड स्ट्रेन के ऊपर। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपको तीन वैल्यू दिए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम क्या दिया इसमें। ए पॉइंट इन ए स्ट्रेंड मटेरियल देर इज ए टेंसाइल स्ट्रेस। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 80 MPa अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर उसके बाद एक कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 40 MPa अपॉन वर्टिकल प्लेन। देर इज ऑल्सो ए शेयर स्ट्रेस ऑफ 48 MPa एक्टिंग अपॉन ईच ऑफ दिस प्लेन। मतलब यहाँ पे तीन फोर्सेस दिए। डिटरमाइन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट द पॉइंट अलोंग विथ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि यहाँ पर हमें हर एक प्लेन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमें हर एक का थीटा कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारा थीटा अननोन है। सबसे पहले हम प्लेन बना लेते हैं किस तरीके से हमको ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमें क्या बोला है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 80 MPa। सबसे पहले हम गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स दिया है हमें 80 MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि है टेंसाइल। सेकंड दिया है सिग्मा वाई। सिग्मा वाई जो हमें दिया है वो कंप्रेशन है, कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव नेगेटिव में होता है, याद रखिए साइन कन्वेंशन, कंप्रेशन नेगेटिव में होता है, जो कि है 40 N/mm². एमपीए का कन्वर्शन होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन। उसके बाद हमें दिया है देयर इज आल्सो शेयर स्ट्रेस, सॉरी अगर इन दोनों के अलावा एक और हमें दिया होता है तो वो होता है हमारा टाऊ, तो फिर टाऊ यहां पर दिया है हमें 48, उसका यूनिट होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमें सबसे पहले टाऊ टाउ मैक्स कैलकुलेट करने को बोला है, उसके बाद हमें थीटा 3 और थीटा 4 कैलकुलेट करने को बोला है, मतलब इनका हमें सारे डायरेक्शन के थीटा कैलकुलेट करने को बोला है। सबसे पहले यहाँ पर हम रख देते हैं इसके हिसाब से, सिग्मा एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब बाहर की साइड जाएगा, तो ये कितना है 80 यूनिट आप डाल देना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा वाई लेकिन कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब अंदर आ रहा है, वो कितना है 40 है ना। उसके बाद एक और क्या दिया है हमें, टाउ दिया है, टाउ कैसे दिया है, लेकिन देर इज ऑल्सो ए शेयर स्ट्रेस ऑफ 48 MPa एक्टिंग अपॉन ईच ऑफ दिस प्लेन, ईच ऑफ दिस प्लेन मतलब कि ये 48 पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव कैसे लगता है साइड में, अगर लगना हो पॉजिटिव इस साइड ऊपर लगता है और इस साइड नीचे लगता है, ये है 48, ये भी है 48। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्लेन दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मैं ये मिटा दूं क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा कैलकुलेशन करने को लगेगा। वहां पर से आप देख सकते हैं सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या क्या है, यहाँ पर ये होता है सिग्मा एक्स, ये होता है सिग्मा वाई और ये है टाउ। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। सबसे पहले हम अभी कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एन के लिए, तो सिग्मा एन का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर एक नया टाइप का फॉर्मूला आने वाला है, वो है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू, और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएगा, उसके बाद ये अंडर रूट में आएगा सिग्मा एच प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस लेने, सिग्मा एच माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू और इसका होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों आया ऐसा, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे पिछले वाले जितने भी टर्म में हमको थीटा की वैल्यू गिवन थी, इसलिए हम यहाँ पर कॉस टू थीटा या फिर साइन थीटा ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा ही नहीं दिया है, यहाँ पर हमें थीटा निकालना है, थीटा अननोन है, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर थीटा अननोन है। इस फॉर्मूले से हमारी वैल्यू आएगी सिग्मा एन की, फिर हम लोग थीटा के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं सारे वैल्यू, तो सिग्मा एन वन, ठीक है, तो सिग्मा एन वन, सिग्मा एक्स कितना था, सिग्मा एक्स है 80 माइनस सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई 40 है,
लेकिन वो नेगेटिव में है क्योंकि वो कंप्रेशन है, इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा अपॉन टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स कितना है 80, अब ये माइनस है और 40 नेगेटिव में है इसलिए ये अभी पॉजिटिव हो जाएगा 40, 80 अपॉन 40 कट अपॉन होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, टाउ की वैल्यू कितनी है 48 का स्क्वायर, इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, तो आपको सिग्मा एन वन का आंसर आएगा 90.84 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और ये पॉजिटिव में है इसलिए टेंसाइल लगेगा। ये आपको एन वन का आंसर आ गया, एन वन में यहां पर लिख देता हूं सिग्मा एन वन आपको आया है 90.84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एन टू काउंट करते हैं, पहला वाला जो हमारा था वो मेजर के लिए था, अभी हम माइनर के लिए लेंगे, अभी हम लोग माइनर के लिए लेंगे, तो माइनर का फॉर्मूला है सिग्मा एन टू का, पहले वाला जो सिग्मा एन वन था ना ये था मेजर के लिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है ना। अभी हम लोग N2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, तो चलिए उसका फॉर्मूला है सिग्मा x प्लस सिग्मा y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूले में कुछ चेंजेस नहीं है, खाली यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और पिछले वाले फॉर्मूले में यहाँ पर पॉजिटिव का साइन था, पूरा रफ करने की जरूरत नहीं थी पर मैंने मिटा दिया तो चली जाने दीजिए। अभी यहाँ पर आएगा सिग्मा x और यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन वैसे ही है, सिग्मा वाई अपॉन टू इसका होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर नेगेटिव आया पिछले वाले में पॉजिटिव था, ये हमारा माइनर है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग सिग्मा एन टू इक्वल्स टू सिग्मा एक्स कितना है 80 माइनस 40 माइनस क्यू क्योंकि 40 कंप्रेशन में है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2 और ये नेगेटिव साइन यहां पर आएगा और ये अंडर रूट में सिग्मा एक्स से 80 और ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा 40 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ है 48 का स्क्वायर, ये टोटल अंडर रूट के अंदर है, तो यहां से आपको सिग्मा एन टू का आंसर आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं सिग्मा एन टू का आंसर आएगा आपको नेगेटिव में आएगा माइनस 56.84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और ये कंप्रेशन में आएगा क्योंकि देख सकते हैं नेगेटिव में आया मतलब कंप्रेशन, और ये था सिग्मा एन टू जो है वो है हमारा माइनर, पहला हमारा मेजर के लिए था ये था माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग को जेड मैक्स कैलकुलेट करना है, जेड मैक्स मतलब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है नोट करके रख लीजिए आप, जेड मैक्स का फॉर्मूला है प्लस माइनस सिग्मा एन वन माइनस सिग्मा एन टू अपॉन टू, ये जेड मैक्स का फॉर्मूला है नोट करके रख लीजिए आप, तो यहाँ पर आपको वैल्यू खाली पुट करनी है जेड मैक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा एन वन कितना है 90.84 माइनस ऑफ माइनस
56.84, सिग्मा इनटू नेगेटिव में, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। इसको हम आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कैल्सियम में, तो आपको जेड मैक्स का आंसर आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेड मैक्स, जेड मैक्स का आपको आंसर आएगा प्लस माइनस 76.84, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यूनिट इन सबका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेस है। जेड मैक्स भी आपको मिल गया, तो मैं ये फॉर्मूला हटा देता हूं अभी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए लोकेशन चाहिए उसका। अब लोकेशन ऑफ मेजर, लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है टैन टू थीटा वन इक्वल्स टू टू इंटू टाउ अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था आपको, आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यू है हमारे पास, बस यहाँ पर थीटा अननोन है, तो थीटा एक अननोन हम कैल्सियम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टेन टू इंटू थीटा वन इक्वल्स टू टू इंटू टाउ कितना है 48 अपॉन सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स है 80 माइनस सिग्मा वाई कितना है माइनस 40, क्योंकि कंप्रेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक ही चीज अननोन है जो कि है थीटा वन। इस थीटा वन को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्सियम में, आप सॉल्व फॉर एक्स कीजिए। यहाँ पर जो थीटा लिखा है वहां पर आप एक्स पुट कीजिए और उसको सॉल्व फॉर एक्स कीजिए, तो आपको थीटा वन की वैल्यू मिलेगी 19.33 डिग्री। ये आपको थीटा वन की वैल्यू मिलेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां से हम सारी वैल्यूज लिख रहे हैं। थीटा वन की वैल्यू आपको मिलेगी 19.33 डिग्री, ये आपको थीटा वन की वैल्यू मिलेगी। एक बार आपको थीटा वन मिल गया ना, तो आगे थीटा टू थीटा थ्री सब कैलकुलेट करना आसान है, उसका सिंपल सा रिलेशन है। तो अभी हम चलते हैं लोकेशन ऑफ माइनर, ये हमने मेजर का देखा था, अब लोकेशन ऑफ माइनर, लोकेशन ऑफ माइनर, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है पीएस। तो यहां पर थीटा टू हमें कैलकुलेट करना है, हमारा एम क्या है, हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा का अभी सिंपल सा रिलेशन है वो है थीटा वन प्लस 90। तो यहां पर आप थीटा वन प्लस 90 कर दीजिए, थीटा वन कितना है 19 प्लस 33 प्लस 90, 19 प्लस 33 प्लस 90 कर दीजिए, तो यहां पर आपको आएगा 109 डिग्री पॉइंट 33, मतलब कि आपको थीटा टू मिल गया 109.33 डिग्री, 109.33 और डिग्री यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आपको थीटा टू मिल गया, तो अभी हमारा एम है थीटा थ्री कैलकुलेट करना। तो यहाँ से थीटा थ्री भी हमें आराम से मिल जाएगा, उसका भी रिलेशन है, उसका रिलेशन है थीटा वन प्लस 45, थीटा वन प्लस 45 करना है। थीटा वन कितना था 19.33 प्लस 45 करेंगे तो थीटा थ्री मिलेगा, थीटा थ्री कितना मिलेगा आपको 64.33। तो यहाँ से आपको थीटा थ्री मिलने वाला है 64.33 डिग्री। थीटा वन मिल गया, थीटा टू मिल गया, थीटा थ्री भी मिल गया, अब थीटा फोर भी आपको आराम से मिल जाएगा। थीटा फोर का रिलेशन है थीटा टू प्लस 45, थीटा फोर का जो रिलेशन है वो है थीटा टू प्लस 45। तो थीटा टू कितना है 109.33 प्लस 45 कर देंगे, 109.33 प्लस 45 कर देंगे, तो आपको थीटा फोर आएगा 154.33। तो आपको थीटा फोर मिल गया 154.33।
यही था आपका सोल्यूशन। यहाँ पर आपको थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर कैलकुलेट करना था, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें अभी एक इसको ग्राफिकल वे में भी इसको पुट करना है, तो वो पुट कर लेते हैं हम फटाफट। उसका भी एक टेक्निक है, वो भी मैं बता देता हूँ इसको कैसे ग्राफिकल वे में पुट करते हैं। इसलिए मैंने सारे वैल्यू को पहली साइड में लेकर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाना है। तो उसका सिंपल सा टेक्निक देख लीजिए कैसे मैं बना रहा हूँ, उसी वे में आपको बनाना है। सबसे पहला जो लाइन आता है, सबसे पहला लाइन होता है वो होगा हमारा सिग्मा एक्स का, यहाँ पर आप सिग्मा एक्स की वैल्यू डाल देना 80, ठीक है। इसके बाद एक लाइन बनती है, इसके बाद एक लाइन बनती है जो ये होता है वो होता है थीटा वन, थीटा वन की वैल्यू कितनी है 19.33 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, थीटा वन से 90 डिग्री पे, थीटा वन से 90 डिग्री पे ये बनता है, ये इसका अंदर चढ़ आता है, ठीक है ना, ये होता है माइनर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। थीटा वन से 90 डिग्री पर लगता है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। उसके बाद एक और यहां पर लगता है थीटा वन से 45 डिग्री, थीटा वन से 45 डिग्री के एंगल पे जो लगता है वो होता है सिग्मा एन टू। तो सिग्मा एन टू का आंसर कितना है 56.84। यहाँ पर आपको नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पर वैल्यूज बराबर पुट करनी है। सबसे पहले आप सिग्मा एक्स की लाइन बनाइए, उसके बाद एक लाइन बनाइए जो थीटा वन कंसिडर होता है, थीटा वन से 90 डिग्री एंगल पे माइनर एक्सिस बनता है, माइनर की लाइन बनती है, और फिर थीटा वन से 45 डिग्री पे सिग्मा एन टू की लाइन बनती है। उसके बाद एक और चीज आती है, वो है ये जो माइनर प्लेन है ना, यहां से 45 डिग्री पे, माइनर प्लेन से 45 डिग्री पे यहां पर होता है मैक्स स्ट्रेस, यहां पर होता है मैक्स स्ट्रेस जो कि होगा टाउ। टाउ हमें आया था प्लस माइनस 76.84, ठीक है ना। वो कौन सा, माइनर प्लेन से 45 डिग्री पे लगता है मैक्स स्ट्रेस। अभी आपका सब कुछ बन गया है, बस अभी आप लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, जो जो लाइन आपने एक्स्ट्रा बनाई है उनको एक्सटेंड कर दीजिए, आपको आप फाइनल पे पहुंच जाओगे। तो यहां पर एक और चीज है, आप देख सकते हैं ये जो मैक्स स्ट्रेस है ना, इसके इसका जो 90 डिग्री है, इसका जो 90 डिग्री लाइन है वो ये है, इसके 90 डिग्री पे ये भी मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, इसका वैल्यू कितना है 76.84, इसलिए यहां पर प्लस माइनस दिया था, तो ये प्लस माइनस यहां पर हम लिख सकते हैं, किसका मैक्सिमम स्ट्रेस के 90 डिग्री पे वो लगता है। ये जो लाइन आपकी लगी है जो थीटा वन की है, ये तो हमने सिर्फ एक लाइन बनाई थी, लेकिन वो है आपका ये वाला माइनर प्लेन था, ये वाला होता है मेजर, देख सकते हैं आप माइनर प्लेन करेक्ट 90 डिग्री पे होता है मेजर प्लेन से। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर हमने एक मिस्टेक किया है, ये जो लाइन होती है ना ये सिग्मा एन टू की लाइन नहीं है, ये जो लाइन थी वो आपकी मैक्स स्ट्रेस की लाइन थी, जो सिग्मा एन टू है वो यहां पर आएगा, सिग्मा एन टू माइनर में आता है, सिग्मा एन टू देख सकते हैं आप, सिग्मा एन टू की वैल्यू है माइनर, इसलिए सिग्मा एन टू की वैल्यू यहां पर आएगी। सिग्मा एन टू की वैल्यू कितनी है 56
0.84, इसलिए इसको हमने फोर अंदर के टर्म बनाया है क्योंकि ये नेगेटिव में है। और मेजर प्लेन, मेजर प्लेन का आंसर कितना है जो कि होता है सिग्मा एन वन, और इसका आंसर है 90.84, और ये आंसर पॉजिटिव में है इसलिए इसको हमने बाहर जाते हुए बनाया है। जो पॉजिटिव होता है वो बाहर जाता है और जो नेगेटिव होता है वो कंप्रेशन अंदर आता है। तो यही था इसका कंप्लीट सोल्यूशन, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया था। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।